में चलता है। मैंने 10 बार बोल दिया अपने जो कर्मचारी हैं बाकी जो लोग जिसको देखते थे। लेकिन आज जब हम जब मैं आ रहा था विधानसभा उस वक्त भी वहां पर ड्रोन वहां पर हमारे घर के आंगन में घूम रहा था और ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाशा बन गए सरकार का समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष के नेता की घर की खिड़कियों से दरवाजे से गाड़ियां खड़ी कहाँ हैं कौन गाड़ियां खड़ी हैं कौन आदमी आया उनका भी ड्रोन से सर्वे ड्रोन से ये कर रहे हैं। यहाँ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है। दिन दिहाड़े गोलियां चल रही हैं, दिन दिहाड़े जो है लोगों को पीट पीट करके मार दिया जा रहा है उस तरफ ध्यान नहीं है। शिमला के माल रोड पर हत्या हो जाती है उस पर ध्यान नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग हैं उनके फोन सर्विलेंस पर और उनके फोन सर्विलेंस के साथ साथ में उनके घर की चारों तरफ से हुए जाकर के वहां पर ड्रोन से इस तरह से करना ये निजता का भी हनन है और मैं समझता हूं ये बहुत ओछी हरकत की है और जिसको मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए था लेकिन मुख्यमंत्री जी चुपचाप बैठे थे ये सचमुच बहुत दुर्भाग्य। एसपी शिमला द्वारा किया जा रहा है उनके ऑफिस से उनके रेजिडेंस मेरे साथ में है वो वही करते हैं। सर एक पुलिस अधिकारी को चेतावनी देना ये कहां तक उचित है? उचित है बिल्कुल। अगर ऐसी हरकतें करेंगे अगर वो सरकार के इशारे पर इस तरह की हरकतें करते रहेंगे कि विपक्ष के विधायकों को बुला बुला करके 8-8 घंटे तक बिठा करके रखेंगे उनकी पूछताछ के लिए और जब विधायक वहां से चले जाते हैं आधे रास्ते पहुंचते हैं उनको कहते हैं कि दोबारा आना पड़ेगा आपको आधे रास्ते से फिर बुलाते हैं उनको और आधे रास्ते से बुला करके फिर 4 घंटे के लिए बिठाते हैं उनको कि क्या तमाशा बना के रखा हुआ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज हिमाचल डॉट केसरी।